अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। एजाज़ ज़ुल्म सहना भी खुद में एक बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए वक्त है अब उन मर्दों के खिलाफ खड़े होने का, इस जुल्म सितम को रोकने का। वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? बुरा मानने वाली बात हुई तो बुरा मानूंगी, मगर जबान से इनकार कर दो। इसी को मुनाफ़त कहते हैं। और कहते हैं ना कि अगर लोगों को मुनाफ़त ना आए तो लोगों से निपटा नहीं जा सकता। प्रेस के सामने मीडिया की मौजूदगी में 100 औरतें अपना बुरका उतारेंगी, आप यही कहना चाह रही हैं? सवाल गौर से सुनिए, क्योंकि यही आप ब्रीफिंग भी देंगी। आप कुछ भी ब्रीफिंग दें, मगर मैं आपसे ये कहूंगी ये नामुमकिन बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे अपना नौकर खोलना है। आप अकाउंट होल्डर? जी। ठीक है, आप आए मेरे साथ। चल, मैं भी साथ चलता हूँ। आप क्या फिर? क्या? ये वही है जिसकी वजह से आप लोग मुझे मार रहे थे। लेकिन इस पे तो ताला है। वो मेरी कबर्ट में है। चलो आप चाहती हैं कि प्योर ओरिजिनल वुमेन्स हों, ये इम्पॉसिबल है। पब्लिक मुझे मारेगी, मेरे पीछे पड़ जाएगी और मेरी रेपुटेशन का भी सवाल है। अच्छा, लेकिन पैसे तो तुम्हें ओरिजिनल के ही मिल रहे हैं ना? फेक तो हम भी अरेंज कर सकते हैं। हाँ, पैसों से याद आया, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। 20 करोड़ पेमेंट के वाउचर तुम्हारे नाम पे बनेंगे। आप मुझे इतना बेवकूफ समझती हैं? मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के अपनी पकड़ाई दूंगी। तो फिर हमारे बीच कोई होगा जिसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जो भी हो, पेमेंट की रिसीविंग तुम्हें ही देनी होगी। आफ्टर ऑल मुझे भी आगे जवाब देना है। ठीक है, जो मिडिल मैन पेमेंट रिसीव करेगा वही आपको भी स्लिप दे देगा और मुझे भी। ओके, लेकिन पेमेंट में तुम्हारा काम देख के करूँ। फिलहाल तो तुमसे बातें बना रही हूँ। सॉरी, आप मुझे कल मिल के प्लीज सारी ब्रीफिंग दे दीजिए, इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ओके, आई अरेंज द मीटिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सीरियसली बहुत टफ है, बस ना चल गई है। काम हो गया। अरे जाहिद,
इतना सा पैसा इसने देगा क्या? फिर मैं सच कह रही हूँ, इसमें रुपया पैसा जेवर ऐसा कुछ नहीं है। मगर इसको खोल, इसमें है क्या मैं देखना चाहता हूँ। मत खुलवाना इसे, इसमें कुछ भी नहीं है सब। अरे ऐसे कैसे नहीं कुछ हो सकता, वो जो मेरी अंगूठी और हीरे के टॉप स्टोरी हुए थे, हो सकता मिला हो इसमें? मम्मी मैं कह रही हूँ ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तू इसे खोल रही है, मैं तोड़ दूँ इसे। खोल रही हूँ, तोड़ना मत। अरे इतनी पेन लगा रही, मरे हुए हाथों से खोल रही है। ये रुमाल किसका है? Successful people don't plan result. They plan only strong beginning. Because the positive results follow our right beginning. Sir, अगर शुरुआत से हिम्मत ना हो तो? Focus. Focus is the key of success. और ये सिगरेट का टुकड़ा, सर मेरा अभी भी ये बात समझ नहीं आई। मसलन सुकरात ने जहर पिया है मर जाने के लिए, और लोग समझेंगे कि वो मर जाएगा, लेकिन वो आज भी जिंदा है। तारीख, सर आपको पता है ना, सिगरेट नोशी इज बैड फॉर हेल्थ, और आपकी ये तीसरी सिगरेट है। काफी दिनों से संभाल के रखे थे, रोज निकाल के देखता था और रख देता था। आज तक लब हो रही थी, लेकिन तुमसे वादा करता हूं कि ये मेरी जिंदगी का लास्ट सिगरेट होगा। अच्छा, कल जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे, तुम बुक्स निकाल के रखो। मैं अरे ये सिगरेट के टुकड़े संभालती है, कहीं ये पागल ना होते होंगे। अम्मा ये ऐसी पागल है, यही हरकतें करती है। ये पेन, अरे सर क्या ढूंढ रहे हैं? मेरा पेन नहीं मिल रहा। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मिल जाएगा। वो मेरा बहुत कीमती पेन है। सर वो कीमती कैसे था, वो तो एक बॉल पेन था। चीजों की कीमत कभी भी उनके ब्रांड से नहीं तय होती, बल्कि चीजों की कीमत तय की जाती है उनकी अहमियत से। जैसे कि नमक, 10 रुपए में इतना नमक आ जाता है कि पूरे महीने के लिए काफी होता है, और वही नमक अगर हम सालन में डालना भूल जाएं तो सालन की अहमियत कम हो जाती है। सर आप समझाते ऐसे हैं कि बात गहराई तक समझ आ जाती है। अब आप ये बताएं कि ये आम सा पेन आपके लिए कीमती क्यों है? इसलिए कि उस पेन से मैं और कुछ नहीं लिखता,
सिर्फ अपने फैसले लिखता हूँ। फैसले? कैसे फैसले? जब मुझे कोई मसला बहुत परेशान करता है तो मैं बहुत सोचता हूँ, और जब किसी नतीजे पे पहुंचता हूँ तो फैसला लिख देता हूँ। आज भी मुझे एक फैसला लिखना था अपने उसे कीमती पेन से। सर आप बिल्कुल परेशान ना हो, यही होगा, मिल जाएगा। मुझे लगता है कि बाइक की साइड पॉकेट में मैं रख के भूल गया हूँ, देखता हूँ। और ये तंदा किस पे? अरे अरे ये क्या कर रही हो, सारे पेपर्स उड़ रहे हैं, बंद करो इसे। क्या कर दिया? अब ठीक है? आपका बैन मिला या नहीं? इंसान जिस चीज की ज्यादा हिफाजत करता है वही चीजें गुम होती हैं। वैसे क्या फैसला रखना था आपको? मेरी एक और स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। और आप? मेरी उसके लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। तो मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया है, उसे समझाया है कि मेरे और उसके रास्ते बिल्कुल जुदा जुदा हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? फिर ये कि उसने मेरे वालिद और अपने वालिद की दोस्ती का फायदा उठाया और लड़की वाले होकर भी मेरा रिश्ता मांगा। उन लोगों के पास पैसे की ताकत है और जोहरा की पसंद अब उसकी जिद बन गई। पैसे के बलबूते पे पैसे से वो आपकी काबिलियत खरीदना चाहती है? हाँ, पर कई दिनों से सोच रहा हूं कि बिकू या ना बिकू। तो फिर आपका फैसला क्या है? मेरा मानना है कि इंसान अपने दिल और जज्बात को कभी फरोख नहीं करता। एक्सक्यूज मी, बता ये सामान किसका और तेरे मत क्या कर रहा है? अरे बता दे वरना जान से चली जाएगी। बताती हूँ। No more personal talk. मैं तुमसे सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरे किसी भी एकदम में दखल अंदाजी मत करना और किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट मत देना, प्लीज। मामा आपकी क्या कहने? आखिर औरत साथ खुद को कब तक मोहरे की तरह इस्तेमाल करवाती रहेगी? देखा ये भी बोलना शुरू हो गई। हेलो, हारून साहब बात कर रहे हैं। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं वही हूँ जिसकी बीवी के साथ आपका अफेयर चल रहा है। व्हाट? कौन हो तुम? जाहिद हुसैन नाम है मेरा। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या अब भी मेरी बीवी आपसे छुप छुप के मिलती है या नहीं? व्हाट रबिश, मैं किसी की बीवी के साथ छुप छुप कर नहीं मिलता। यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे, आप वही हैं
और आप जानते हैं, एक दिन की छुट्टी करके बड़ी मुश्किलों से मैंने आपका नंबर निकलवाया है हारून साहब। अच्छा, 8 महीने से एक सिलाई मशीन ठीक करवाने की तो आपको फुर्सत है नहीं। बीवी की दवाई लाना तो आपको याद नहीं रहता, लेकिन उसके कीड़ा निकालने के लिए नंबर ढूंढने के लिए सारा दिन लगा दिया आपने। चुप कर और जा यहां से, चल जा। ये किसकी आवाज है, कौन बोल रहा है? देखो, ना तो मेरा किसी के साथ इश्क चल रहा है और ना ही मैं किसी की बीवी को जानता हूं। कौन है, दो मुझे तो मैं बात करूं। उदायमा को नहीं जानते आप? क्या उदायमा आपसे नहीं मिलती? मैं किसी उदायमा को नहीं जानता। झूठ बोल रहे हैं आप। शट अप, आइंदा मुझे फोन मत करना। कौन था, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बकवास कर रहा था। इज्जत को मोहब्बत का नाम दे रहा है जाहिल आदमी। हो सकता है क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ इश्क में तो मुब्तला थी। मुझे ही देख लो, मैंने भी तो तुमसे इश्क की वजह से ही शादी किया ना। ये क्या बोल रही हो जरा, कुछ लिहाज कर लिया करो, किसके सामने क्या बात कर रही। इनका लिहाज करूंगी मैं, ये तो खुद इश्क फरमा रही है मोहतरमा। वो भी मेरी दुश्मन के बेटे के साथ। क्या हो गया जोरा तुम्हें, कुछ सोचती नहीं हो, क्या बोल रही हो और किसके लिए बोल रही हो? ओके ठीक है, आप सब कुछ लाइनअप करके मुझे स्केड्यूल भेज दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। शेर कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस हारून। वालेकुम अस्सलाम जी, बात कर रही हूँ मिसेस हारून, मैं नबीला हाशमी बात कर रही हूँ टॉक टीवी से। ओके जी, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? नो नो मैम, करना तो हम चाहते हैं आपकी नई बनने वाली एनजीओ के लिए। अरे वाह भाई, आप सहाफ़ी लोग भी ना गज़ब की नाक रखते हैं। अभी खुशबू उड़ी भी नहीं और आप लोग सूंघते हुए पहुंच गए। कमाल हमारी नाक का नहीं, खुशबू का है, जो दूर दूर तक फैल जाती है और जिसे कोई भी कैद नहीं कर सकता। क्या बात है आपकी, आप मुझे कोई जर्नलिस्ट नहीं बल्कि कोई फिलोसफर या शायरा लग रही हैं। आप बताइए मैं क्या कर सकते हैं आपके लिए? मिसेस हारून, हम आपको इन्वाइट करना चाहते हैं आपकी एनजीओ के लिए और आपकी पर्सनल लाइफ पर रोशनी डालने के लिए। पर्सनल लाइफ? नॉट वेरी पर्सनल, आई मीन शबरूज की मसरूफियात। ओके, तो फिर कब है आपका शो? कल सुबह का मॉर्निंग शो है। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मुझे इस शो में शिरकत का चेक मिलेगा या औरों की तरह आप भी बजट का रोना धोना डाल देंगे? नो नो मैम, हम आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करेंगे। हमारे शो का फॉर्मेट है कि उसमें एक मर्द गेस्ट भी होगा जो मर्दों के हकूक पर बात करेगा, और आप मर्दों के इस माशरे में औरतों के हकूक पर बात करेंगी। फिर आप मुझे ना ही बुलाएं तो अच्छा है, क्योंकि मैं वुमेन्स राइट पे बात नहीं करूंगी। जी मैं समझी नहीं, जब आप औरतों के हकूक पर एनजीओ बनाने जा रही हैं तो आप औरतों के हकूक पर बात क्यों नहीं करेंगी? मैंने ये कब कहा कि मैं बात नहीं करना चाहूंगी, मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं औरतों के हकूक पर बात नहीं करूंगी। क्योंकि जितनी भी एनजीओज हैं जो औरतों के हकूक पे काम कर रही हैं, उन्हें कौन से हकूक दिलवा पा रही हैं? ओके, तो आप किस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे, किस मौजू पर बात करना चाहेंगी? मैं बात करना चाहूंगी औरतों के हकूक पामाल करने वाले उन मर्दों पर
जो मतलब के वक्त औरतों के जूते उठाने को भी तैयार हो जाते हैं और मतलब निकल जाने के बाद वही जूता उठा के औरतों के सर पे मारने लगते हैं। आप देख लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास, वरना मैं उन मर्दों की धज्जियां बखेर के रख दूंगी। जो दिन में आए आप कहिएगा, शायद ऐसे ही मर्दों को है आ जाए। ओके, थैंक्स फॉर फ्रीडम। वेलकम मैम, कल हमारे शो का टाइम है 9 o'clock। प्लीज़ मुझे एक वेकअप कॉल दिलवा दीजिएगा। श्योर मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। काफ़ी देर हो गई है, लेकिन अभी तक ये इरशाद नहीं फरमाया कि मुझे शर्फ मुलाकात क्यों बख्शा है। कल सुबह एक टॉक शो है जिसमें आपने शिरकत करनी। ओके, मुझे मकसद बताना पसंद फरमाएंगी आप? मकसद मैं आपको बता देती हूँ, मगर इनकार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस शो में आपकी शमूलियत मैंने खुद करवाई है और आपकी तरफ से हाँ भी मैंने ही की है। जिस तरह से ये बात आप मुझे जता रही हैं, उस बात से तो ये मालूम होता है कि ये शो बहुत खास है। शो कोई खास नहीं, पर मेरा मकसद बहुत खास है। अगर आप ये पहले बुझवाने की बजाय साफ साफ लफ्जों में इरशाद फरमाएंगी तो आपका और मेरा दोनों का वक्त बच जाएगा। कल सुबह के इस टॉक शो में जोहरा हारून शिरकत करें और आपने उसकी खूब दिन भर के बेइज्जती कर दी। क्यों, गले में अटक गई क्या? मैडम जी, आप क्यों मेरी इज्जत के पीछे पड़ी हुई हैं? छोटा मोटा सा वकील हूं, दो हाथियों की लड़ाई में आप मुझे क्यों घसीट रही हैं? बस आपने इस टॉक शो में जोहरा हारून की बेइज्जती करनी है, क्योंकि वो भी मर्दों की बेइज्जती करने का इरादा रखती हैं। बेशक वो मर्दों के खिलाफ बोल रहे, लेकिन मुझे तो अपने बच्चे पालने हैं ना। इसका मतलब है कि आप मेरी बात रद्द कर रहे हैं। अरे मैडम जी, मेरी भला मजाल कि मैं आपकी बात को रद्द करूं? लेकिन आप ये भी तो सोचें कि जोहरा हारून जैसी पावरफुल शख्सियत को मैं लाइव शो में बैठकर जब इंसल्ट करूंगा तो मैं कहां हूंगा, जानती है ना आप। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगी। तो मैं पैसे भी दूंगी और पब्लिसिटी भी करवाऊंगी। अजीब इम्तिहान में डाल दिया आपने मुझे। तो दो इम्तिहान। और सुनो, जिस तरह मेरे सामने गिगिया रहे हो ना, उसके सामने बिल्कुल जाहिर नहीं होने देना कि तुम उसके कैलिबर से मरबू हो गए हो। तुम मर्दों की वकालत कर रहे हो, इसलिए मर्द बनकर बात करना। अम्मी पानी, ऐसा भी क्या प्यार था कि तुमने इतनी फालतू सी चीजें भी उसके संभाल के रखी हुई। अम्मी बस आप देखने वाला चक्कर बता दें कि नमक मिर्च सही है, अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं ला दूं। ये तुम मेरी बातों को अनसुना क्यों कर रही हो? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप खाने के बाद चाय पियेंगी या गर्म दूध, तो मैं आपको ला देती हूँ। चाय पीने का मूड नहीं है, गरम दूध ले आना। जी ठीक है, बस मैं लाई। और जल्दी आना, सो मत जाना। जी जी, बस मैं अभी आती हूँ। आना तो पड़ेगा, बातों बातों में ऐसी बातें निकलवाऊंगी कि जाहिद के आते ही इसकी पटाई लगवाऊंगी। क्या बदमजा खाना बनाती है, माँ ने कुछ नहीं सिखा कर भेजा।
अशोक, अरे यहाँ क्यों लेटी हुई है, चलकर अंदर लेट। तू आवाज नहीं आई हो। अरे औंधी पैदाइश, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, यहाँ ठंड में सोएगी, अकड़ जाएगी, आराम नहीं मिलेगा, अंदर चल के आराम कर ले। बहुत कर लिया आराम, जहां दर्द कम नहीं होता वहां तेरी मोहब्बत ठाटे मारने लगती है। अरे पगली, तू मेरी बीवी है, तुझसे मोहब्बत नहीं करूंगा तो क्या मैं महल्ले वाली हूं से करूं? है? तू तो महल्ले वाली को भी ना छोड़े, वो तो खुद तेरे पर नालत भी नहीं भेजती है, खुद तू मिलाता फिरता है उनके पीछे। तू बाज नहीं आई ईमान से, तू सिर्फ अपनी औकात में रहना जानती है। औकात तो तू अपनी देख, मुफ्त हो रहे कमाने वाली को औकात क्या दिलाता है? देख शो, मेरा मूड इस वक्त बहुत अच्छा, उसको खराब ना कर, चल अंदर चल। चला चलूं तो? तो तुझे बता, मैं तुझे उठा के ले जाऊं। हाथ तो लगा, तेरे हाथ तोड़ दूंगी, जा अंदर, आ रही हूं मैं। आजा आजा, बस उठ जाओ। तुझसे किसका नाम नहीं, वो हैसियत का जो सौदागर अपना नाम मेरे नाम के साथ जुड़ना चाहता है, उसका या उसका जिसके नाम पर दिल जाए पर। मुझे समझ क्यों नहीं आ रही जो आज भी फैसला करती रिश्ता जिसे करा हो और सलीम भाई आई। अरुण बेटा, मुखल हो सकता हूँ तुम्हारी तनाई में? अरे बाबा जान, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये तो तुम्हारी सादत मंदी है और इजाजत लेकर दाखिल होना, ये हमारा दीन। शेर पहचान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तुम समझ तो गए होगे कि फुर्सत के इस लम्हे में मैं क्यों आया हूं। कोई मुदाखलत तो नहीं करेगा बाप बेटे की गुफ्तगू में? अरे नहीं अब्बाजान, हाँ फरमाए, क्या कहना? ज़ोरा के वालिद हमारे करम फरमाओं में से हैं, उनकी इस इज्जत अफजाई पर मैं फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर देता, लेकिन बेटा ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, इसलिए सोचा तुमसे पूछूं। आपा जान, मैं आपकी मर्जी के बगैर सर नहीं उठा सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा यहां दिल नहीं मान। अगर कोई दिल में है तो फौरन बता दो ताकि हम कोई फैसला कर सके। पापा जान, उसका नाम हुदा है मायन, पर वो भी मेरी स्टूडेंट है। तो फिर कवाद क्या है? दरअसल पापा जान, वो मुझसे 14-15 साल छोटी है और इसीलिए मैं आज तक उससे कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि मैं उसका उस्ताद हूं। ये बात अभी अंधेरे में है कि वो तुम्हें चाहती है कि नहीं, और अगर तुम्हारे कहे की इज्जत ना रखी तो तुम्हारा भरम जाता रहेगा। बस इसी बात से झिझक रहा हूं। ज़ोया तुम्हें चाहती है, उससे शादी से तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाएगा और हमारे मसले भी हल हो जाएंगे। सोचना बेटा। क्या बात है हारून, अभी तक जाग क्यों रहे हो?
पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। आए कहीं तुम्हें सचमुच उससे इश्क-विश्क तो नहीं हो गया? किससे? उसी से जिसके शौहर का तुम्हें दोपहर में फोन आया था। कैसी बातें कर रही हो, मैं कुछ और सोच रहा था। और प्लीज मुझ पर शक करना छोड़ दो। अच्छा लाओ दो नंबर दो मुझे। तो हाँ प्लीज, ये क्यों तुम नौ ब्याता बीवियों की तरह बिहेव कर रही? अरे भैया अगर तुम गिल्टी नहीं हो तो मुझे वो नंबर दे दो। मैंने कहा ना वो सिर्फ एक रॉन्ग नंबर था। हाँ वही रॉन्ग नंबर वाला ही नंबर दे दो मुझे। आजकल की बहुएं शोपीस हो गई हैं, विकमियां सारे जान की मुफ्त का खाती हैं। अरे थोड़ा बैठो, पता नहीं कहाँ से आता है, ना खाने तो ना कुछ। ये आप किस अंदाज में बात कर रही हैं? बहुओं को नौकर बना के रखने के लिए भी नहीं लाया जाता। बीबी पहले तो ये बताओ कि तुम हो कौन, और आते ही तुमने मुझ पर फलसफा क्यों झाड़ना शुरू कर दिया? ओह सॉरी, मुझे आपके लहजे से अंदाजा हो जाना चाहिए था कि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं। अरे तुम होती कौन हो, मेरे घर में आके मुझे जाहिल कह रही हो? मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ हुदायमा से मिलना चाहती हूँ। हुदायमा है क्या? हुदायमा से? वो क्यों, मगर तुम हो कौन? हुदायमा कहाँ है आप मुझे ये बताइए, मुझे हुदायमा से बात करनी है। जी मैं हुदायमा। ओ मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। वाह एक तो मेरे घर में आ गई, ऊपर से मेरी बहू से अकेले में बात करने, मैं नहीं करने देने की तुम्हें अकेले में बात। आप मेरी बात सुनिए आंटी। मैं आंटी ये तुमने इतना सारा मेकअप मुंह पे करके और ये चुस्त कपड़े पहन के जवान बन रही हो और मुझे आंटी कह रही हो, शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें? ओ सॉरी आपको बुरा लगा मेरा आंटी कहना। आई हैव टू टॉक हर ऑन प्लीज। मैंने ना कोई बात नहीं करने देनी, और अगर करनी है ना तो मेरे सामने करो, समझी? बस अब बहुत हो गई। मैं तहमीना हारून हूँ, एनजीओ चलाती हूँ मैं। अभी लेडीज कांस्टेबल यहाँ पे आएंगी और आपको घर में नहीं हवालात में ले जाके बंद कर देंगी, समझे आप? अगर मैंने अपने दोनों बेटों को बुला लिया ना तो तुम देखना, और ये ना पुलिस की धमकी हमें नहीं दो। अम्मी प्लीज आप बात को बढ़ा क्यों रही है, सुन तो ले आखिर वो कहना क्या चाह रही है। प्लीज आपको जो भी कहना है आप मम्मी के सामने बोले ना। तुम्हारे शौहर ने तेरे शौहर को फोन किया था कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है मेरे शौहर से। अच्छा तो तुम उसकी बेगम हो जिसकी आशिक है बहुत ज्यादा। अरे बहन उस दिन से हम भी पूछ पूछ के थक गए हैं मगर ये मुंह ही नहीं खोलती। तो क्या मैं बात कर सकती हूँ इससे? हाँ हाँ भाई तुम तो हमारे घर में मेहमान हो, तुम बैठो मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए, बहुत फर्स्ट क्लास सी। हुदायमा जी मैं तुमसे यहाँ सिर्फ एक सवाल का जवाब लेने आई, और देख लो मैं खुद यहाँ आई, इसलिए मुझे जो भी जवाब दो सिर्फ सच हो। क्या मेरे शौहर से तुम्हारा अभी कोई अफेयर चल रहा है, जायज या नाजायज? जायज नाजायज? मैम ये आप मुझसे पूछ भी कैसे सकती हैं? मेरा हारून सर से कभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा। वैसे बेबी पे शक करने की कोई तो वजह होती है ना, जब ही तो उसका शौहर उसके
आशिक को फोन करने पे मजबूर हो जाता है? शक करना मेरे शौहर का हक था और शक करने की सजा उन्होंने मेरे जिस्म पे नील देकर दे दी। व्हाट? क्या नील के निशान तुम्हें तुम्हारे शौहर ने मारा है? लेकिन सर को फोन करना उनकी हिमाकत थी, जबकि मैं उन्हें बता चुकी थी कि मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं था। पहले तुम मेरा सवाल का जवाब दो, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें इतना मारा है कि तुम्हारे जिस्म पे नील के निशान पड़ गए? छोड़े मैम इन सारी बातों को, पहले मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाया इन सारी बातों का, अब मैं आपको यकीन दिला रही हूँ। हारून सर के साथ मेरा अफेयर तो दूर की बात, मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता कि मैं उन्हें चाहती थी। क्या मतलब? जी मैम, हारून सर मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे और काफ़ी मुझसे रिजर्व भी रहते थे, तो मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि मैं उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी बता पाती। अगर ऐसा ही था तो फिर किस बात पे शक करके तुम्हारे शौहर ने मेरे हस्बैंड को कॉल की? हारून सर की कुछ चीज़ें बड़ी हिफाजत से संभाल के रखी थी मैंने, बस वही मेरे शौहर की नॉलेज में आ गई। हारून की चीज़ें? कैसी चीज़ें? क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? जी मैम, चलें। तो क्या कभी हारून ने तुमसे कोई ऐसा इजहार किया हो जिससे तुम ये जाहिर हो के वो भी तुम्हें चाहता है? नहीं, लेकिन उनकी आंखें बोलती थी। क्या? यही कि उनकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी से ज्यादा कुछ और भी है। लेकिन मगर कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने, शायद कह भी देते अगर वो अमीरजादी बीच में ना आती। कौन अमीरजादी थी? एक जोरा चपीन, जो अपनी दौलत की बेस्ट पे उनको हासिल करना चाहती थी। मैं वही जोहरा जबी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आई एम सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। क्या इस बात के अलावा भी तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कभी मारा है? प्लीज मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पे और हारून सर पे शक ना करें। और हारून सर तो मुझे अब तक भूल भी गए होंगे, मेरा उनसे कोई नहीं। फॉरगेट इट। देखो दायमा, तुम अब मुझे इरिटेट कर रही हो। मैं तुमसे बार बार मारपीट के बारे में पूछ रही हूँ और तुम बार बार बात को घुमा रही हो, क्यों? मैम, मैं बस आपको इसलिए कुछ नहीं बता रही कि अगर आपने मेरे जिस्म पे जख्मों के निशान देख लिए और मेरी सास से शिकायत की या मेरे शौहर को डांटा, तो फिर मेरे लिए वो सब कुछ सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकती। अदामा मेरी बात सुनो, मेरी ख्वातीन के हकूक के लिए एनजीओ है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे सामने किसी औरत पे जुल्म हो रहा हो। अगर तुम पे यहाँ पे जुल्म हो रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी, यहाँ से निजात दिलवाऊंगी तुम्हें। लेकिन मैम, आप तो मुझे डांटती नहीं थी कि मैं आपके शौहर के साथ अफेयर में हूँ। तो प्लीज फॉरगेट इट, तुम मुझे इन लोगों के बारे में बताओ। मैम, अगर आप सच में मुझे निजात दिलवाना चाहती हैं तो मुझे मेरे शौहर की मारपीट से नहीं, बल्कि मेरी जेड की गंदी ख्वाहिशात से निजात दिलवाएं। व्हाट? जेठ की गंदी ख्वाहिशात? क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा, जरा प्लीज खुल के बताओ।